बाप दादाओं ने तिरंगे के लिए अपनी जान दी है। हमारे ऊपर 47 के पहले देशद्रोह के मुकदमे दायर हो चुके हमारे परिवारों के ऊपर। हमने तहसीलों पर और जिले मुख्यालयों पर हजारों लोगों ने तिरंगे लगाए थे और उसका परिणाम ये हुआ था कि अंग्रेजों की गोली खानी पड़ी थी। मेरा एक चाचा पोस्ट ऑफिस पर तिरंगा लगाने के लिए जब निकले थे 13 अगस्त 1942 में, तो उनको अंग्रेजों ने सामने से गोली मारी थी और उन्होंने छाती पर गोली ली थी। भगोड़े जैसे भाग के हम नहीं गए, हमको समझाएंगे आप तिरंगा कैसे लगाना और कहां लगाना। हम नहीं लगाएंगे आपका दिया हुआ तिरंगा, हम वो तिरंगा लगाएंगे जो खादी का तिरंगा है, जिसके लिए हमारे लोगों ने आजादी में जान दी है। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काजमी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपकी। आज मंडे है और आज अविनाश काकले जी से कई अहम मुद्दों पर बात करेंगे। सबसे अहम बात जो इस वक्त चल रही है वो ये है कि घर घर तिरंगा वाला जो कैंपेन है, अब उसको किसी और तरीके से भी इस्तेमाल करने की तैयारी शुरू हो चुकी है। जैसा कि मैंने शुरू में भी बताया था कि ऐसा लगता है कि वो पहचान कराने के लिए कोशिश की जाएगी कि कौन झंडा लगाता है, कौन नहीं लगाता है, कौन जिद करता है कि सरकार के कहने पर हम नहीं लगाएंगे, हम अपनी मर्जी से देश प्रेम करते हैं, ना कि सरकारों को खुश करने के लिए, उस पर बात करेंगे। इसके अलावा कृषि आत्मनिर्भरता की बात सरकार कर रही है और उसमें भी कई ऐसे कंट्रास्ट हैं, ऐसे अपवाद हैं, ऐसे कंट्राडिक्शन है बल्कि जिसे कहा जाए, उस पर भी हम बात करेंगे। और इसके अलावा बीजेपी और जेडीयू के बीच में कहीं कुछ ताल्लुकात में क्या कोई खराबी है, नीतीश कुमार कई मीटिंगों से गायब रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की, वो क्या कुछ है, और आरएसएस का और तिरंगे झंडे का कोई रिश्ता है भी या नहीं, इस पर भी बात करेंगे। अविनाश काकड़े जी, वेलकम है आपका, मीडिया स्टार बोर्ड को आपने समय दिया। आप ये बताइए कि तिरंगा को अब किस तरह से क्या क्या किस किस मकसद के लिए इस्तेमाल किए जाने की तैयारी है, क्या कुछ है, किस तरह से आप देख रहे हैं? देखो, स्वतंत्रता पूर्व तिरंगा ये देशभक्ति का प्रमाण होता था और स्वतंत्रता के बाद भी देशभक्ति का प्रमाण हो गया। जो लोगों को आजादी 2014 में मिली है, ऐसे लोग हमें कह रहे हैं कि आप तिरंगा लगाइए। ये अमृत काल है, अमृत काल का अमृत महोत्सव चल रहा है जिसमें तिरंगा निशाने पर है। लोकतंत्र मर रहा है और हम उसका उत्सव मना रहे हैं। ये तिरंगे का उत्सव नहीं है, लोकतंत्र का उत्सव हम मना रहे हैं जिसको मारा जा रहा है। हमारे प्राइम मिनिस्टर जनता के प्रश्नों पर जवाब नहीं देते, हमारे प्राइम मिनिस्टर संसद में जवाब नहीं देते, पत्रकारों को जवाब नहीं देते, हमारे प्राइम मिनिस्टर नोटबंदी पर कभी जवाब नहीं दिया, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कभी, आपने देखा होगा कि गरीबों के कल्याणकारी योजनाओं को रेवड़ी राज बोल रहे हैं और 11 लाख करोड़ अपने मित्रों को देने को विकास कहते हैं, जो किसानों के आंदोलन को आंदोलनजीवी लोग कहते थे, और घर घर चूल्हा तिरंगा लहराने की जगह उनको जो हाँ घर घर में चूल्हा जलाने की जरूरत है। तो हमारे यहाँ महंगाई का दर और भुखमरी का दर क्या है, यह आपको बार बार मैं बता चुका हूँ। आज की तारीख में घर घर पे तिरंगे की जगह घर घर रोजगार पहुंचना चाहिए, घर घर तिरंगे की जगह घर घर शिक्षा पहुंचनी चाहिए, घर घर स्वास्थ्य की जगह घर घर स्वास्थ्य सुविधा पहुंचनी चाहिए। ये छोड़ के हम जिसको घर नहीं दिए, 2022 में सबको घर मिलेगा, उसमें टीवी होगा, फ्रिज होगा, बिजली होगी, सब कुछ होगा, ये लाल किले के प्राचीर से घोषणा किया था और पार्लियामेंट में भी घोषणा किया था, तो घर देने की बजाय उनको तिरंगा दिया जा रहा है। अब कहाँ बांधेंगे, वो सर पे बांधेंगे तिरंगा? और ऐसे लोग जो लोग बार बार तिरंगे को अपशकुनी कहते थे, ट्राई कलर को अपशकुनी कहते थे, वो लोग हमको समझा रहे कि आप तिरंगा लगाइए। उन लोगों ने जीडीपी पे सवाल जवाब देने के बजाय जीडीपी का जी उड़ा दिया है और उसमें डीपी लगा दिया है। पहले चौकीदार का डीपी लगाया था, अब तिरंगे का डीपी लगाया,
अरे आपका मतलब क्या है? आपने मोदी जी 2013 में बोला था कि मैं हिंदू राष्ट्र का समर्थक हूं, हमें कोई आपत्ति नहीं, लोगों ने जीता दिया, हिंदू राष्ट्र आप बना दीजिए, कैसे बनाते हो हम देखेंगे, किस तरीके से हिंदू राष्ट्र में सारी समस्याएं हल होती है। जैसे आपने आपका राज्य आया तो अंधश्रद्धा फैलाने का काम किया, हालांकि हमारे देश में अंधश्रद्धा निर्मूलन का कानून है। आपने बताया कि ताली थाली और दिया बत्ती जलाने से कोरोना जाता है, उससे आपने मूर्खों की गिनती कर लिया था। जैसे आपने नोटबंदी से 370 और राम मंदिर से आपने समझा दिया था कि राम मंदिर बनेगा तो राम राज्य आ जाएगा, 370 समाप्त होगा तो पीओके अपने कब्जे में आ जाएगा, विवाद समाप्त होगा, कश्मीरी पंडितों के अच्छे दिन आएंगे, और नोटबंदी से काला धन आतंकवाद नक्सलवाद सब समाप्त होगा, यह आपने बताया था। मगर आप ये बताइए कि द्रौपदी मुर्मू जी जब शपथ लेती है, मतलब जीतने के बाद वहां शपथ लेती है और अपने राष्ट्रपति भवन के ऑफिस में जाती है तो वहां मंत्रों से उसका शुद्धिकरण किया जाता है, ये अंधश्रद्धा है या नहीं है? हमने धर्मनिरपेक्ष राज्य की शपथ ली है, धर्मनिरपेक्ष राज्य होना चाहिए, शपथ ली है। महाराष्ट्र के तो मुख्यमंत्री सत्यनारायण की कथा कहते हैं, भाई सत्यनारायण की कथा कितनी सत्य है कितनी असत्य है, इसके बारे में गाड़गे बाबा ने बोला था कि एक जहाज सेकंड वर्ल्ड वॉर में डूबे है, मैं चाहता हूं कि वो जैसे कथा में जहाज ऊपर आया था कलावती और लीलावती का, उसी तरीके से मैं कितने जितनी चाहिए दक्षिणा देने को तैयार हूं पंडित जी, समुन्द्र किनारे वो करे पूजा पाठ और उसके माध्यम से सारे जहाज ऊपर आ जाए जिसमें लाखों टन सोना है। तो ये देश में मूर्खताओं की चहल पहल चल रही है। MPEB महाराष्ट्र मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड 35 साल के लिए अडवाणी को दे दिया, इस पे सवाल नहीं उठाना चाहिए, इसीलिए तो तिरंगा लाया गया है। अडानी को दिया 35 साल के लिए अडानी को दिया, और अभी महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड उसको अडानी को जो वहां महत्व आया है, जो जो समस्या आई है, वो समस्या का निराकरण करने के लिए जैसे ईडी की सरकार आई, ईडी मतलब एकनाथ और देवेंद्र, नहीं तो आप समझोगे कि ईडी डिपार्टमेंट की सरकार, वो एकनाथ और देवेंद्र की ईडी सरकार जैसी आई तो इन्होंने पहला ये किया है, अभी पैरवी की है कि हमारे घर में प्रीपेड मीटर लगेंगे, बिजली के जो मीटर होंगे वो प्रीपेड मीटर होंगे। तो प्रीपेड मीटर में अडानी को कितने आसानी हो जाएगी बिल वसूलने में और आपका मीटर काटने में और बिजली इलेक्ट्रिसिटी काटने में। तो ये उसके तरह महाराष्ट्र भी बढ़ रहा है और सारा देश बढ़ रहा है, इस पे जवाब नहीं देंगे। और आप तिरंगे की राजनीति करोगे, जिस तिरंगे को आपने अपमानजनक तरीके से नकारा था। आपको अगर उदाहरण बता दूं तो तिरंगा 29 में एक्सेप्ट हुआ था, 26 जनवरी 29 को लाहौर में एक्सेप्ट किया था हमने, और जिसके लिए हजारों लोग मरे थे। सावरकर जी के जो फाइनेंसर थे मैसूर के राजा, उन्होंने 40 कांग्रेसियों को इसलिए मार दिया था कि मैसूर में वो तिरंगे का मार्च निकाल रहे थे। आपको ये पता है कि तिरंगे का कैसा व्यापार हो रहा है कि रेल कर्मियों को 38 रुपए में बेचा जा रहा है, भाजपा दफ्तर में वही तिरंगा 20 रुपए में बेचा जा रहा है, प्रधान डाकघर में 25 का बेचा जा रहा है, सेल्फ हेल्प ग्रुप वही तिरंगा 18 से 20 रुपए में बेच रहे। तो हर चीज से पैसा कमाना है, और पैसा किस लिए कमाना है? संविधान में लिखा हुआ है कि आपका जो तिरंगा होगा वो खादी का होगा, तो हम खादी के जगह संविधान को तो हम मानते नहीं, संविधान का तो हमारा कोई मतलब नहीं है दूर दूर से, तो संविधान की जगह खादी के जगह हम रियान का और वो अंबानी का तिरंगा फहराने के लिए पूरे देश को बांटने का जो प्रयोजन हमने कर दिया है। तो मैं कोई रियान का तिरंगा नहीं लगाने वाला हूं, और मैं मोदी जी को ये आह्वान करता हूं कि आपने अगर गिनती करने का ही तय कर लिया होगा तो मदरसे में जैसे आप वीडियो रिकॉर्डिंग करोगे, आपके अजय 20 भी वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे, उसी तरीके से आपको RSS की हर शाखा में वीडियो रिकॉर्डिंग करना पड़ेगा। जिन्होंने तिरंगे को कैद में रखा है गए 20-22 साल से, उनके ऊपर भी एक्शन लेना पड़ेगा। आपको पुलिस को आदेश देना चाहिए, जिला मुख्यालयों को सबको आदेश देना चाहिए कि जो भी शाखा में तिरंगा नहीं लगेगा उसकी रिकॉर्डिंग करके मेरे पास भेजिए, क्योंकि आपके जो लोग हैं वो तिरंगे को अपना राष्ट्र ध्वज नहीं मानते।
ये सब ये जो बोलते हैं कि हमारा राष्ट्र ध्वज भगवा होगा और तिरंगा है, बोले दर्जी ने कपड़े सिलाए जैसा तीन रंगों को इकट्ठा किया हुआ तिरंगा है, ये गोलवलकर जी बोल रहे हैं। करतार सिंह सराबा जो गदर पार्टी के थे, फांसी में जाते वक्त जो उन्होंने तिरंगे का मतलब समझाया था, वो आजादी समानता और बिरादरी यानी मतलब फेटर्निटी का काम करता है, ये तिरंगा है। ये हमको जो समझाते हैं कि तिरंगे के तीन कलर अशुभ है, इनको चौथा कलर जो न्याय का कलर है जिसमें अशोक चक्र है, अशोक चक्र न्याय को प्रतीत करता है। जैसे ये बाकी के तीन लोग अलग अलग समानता आजादी और बिरादरी को प्रतिबिंबित करते हैं, वैसे अशोक चक्र जो है वो न्याय को प्रतिबिंबित करता है। इनको ये कलर दिखाई नहीं देता, ये कलर ब्लाइंड है, ये जो पूरी संघी फौज है कलर ब्लाइंड है, इनको दूसरे कलर दिखाई नहीं देते ना दूसरे लोग दिखाई देते हैं। इनकी जो एक किताब है परम वैभव के पथ पर, जो इन्होंने अपनी मार्केट से विलुप्त करवा दिया, उस किताबों में उनके लिए क्या लिखा है, उस किताब के विचार नवनीत, उनका जो किताब है गोलवलकर की, जो 16 में भी 96 में भी पुनर्प्रकाशित हुई और 2021 में भी पुनर्प्रकाशित हुई, उसके पेज नंबर 334 से 337 तक वो बोलते हैं कि हमारा झंडा जो है मतलब भगवा झंडा राष्ट्रीय सोच और परंपरा तथा संस्कृति का प्रतीक है। आनन फानन में किसी के तुष्टिकरण के लिए लागू किया गया तिरंगा झंडा ये देश का प्रतीक नहीं हो सकता। क्यों विवाद पैदा करना है? क्योंकि इनको गिरते रुपए पर सवाल जवाब नहीं देना है। इन्होंने बोला था मोदी जी ने 2013 में कि जिस देश का रुपया गिरता है उस देश की अर्थव्यवस्था, प्रधानमंत्री और शासन और साख साख गिरती है। हमारा 80 रुपए का हो गया रुपया, और रुपये का अवमूल्यन होने का मतलब होता है श्रम का अवमूल्यन। हमारे देश का मतलब जो लेबर लंदन में काम करेगा या अमेरिका में काम करेगा उसको $1 मिलेगा, मगर अगर एक घंटे के $20 मिलते हैं, इसका मतलब है कि उसको 20 × 80 1600 रुपए मिलते हैं, और हमारे यहाँ लेबर काम करता है तो एक घंटे के उसको 80 रुपए भी नहीं मिलते, मतलब $1 भी नहीं मिलता है। श्रम ही बेचते हम, श्रम का अवमूल्यन करने का काम जिस विचारधारा ने किया होगा, क्योंकि इस देश में श्रम करने वाला छोटी जाति का और श्रम को लूट के खाने वाला बड़ी जाति का होगा, ये जिनकी हिंदू माइथोलॉजी होगी, हिंदुत्व वाली माइथोलॉजी होगी, जो लूट के खाने में विश्वास रखते हैं वो इस देश को कहां ले जा रहे हैं, और तिरंगे के नाम से समन्वय निर्माण करने की झगड़ा झंडे कैसे निर्माण कर रहे, इस पे ध्यान देने की जरूरत है। तिरंगे के लिए लड़ने की जरूरत नहीं है, मैं नहीं लगाऊंगा तिरंगा इनके कहने पर। मेरे बाप दादाओं ने तिरंगे के लिए अपनी जान दी है, हमारे ऊपर 47 के पहले देशद्रोह के मुकदमे दायर हो चुके हमारे परिवारों के ऊपर। हमने तहसीलों पर और जिला मुख्यालयों पर हजारों लोगों ने तिरंगे लगाए थे, और उसका परिणाम ये हुआ था कि अंग्रेजों की गोली खानी पड़ी थी। मेरा एक चाचा पोस्ट ऑफिस पर तिरंगा लगाने के लिए जब निकले थे 13 अगस्त 1942 में, तो उनको अंग्रेजों ने सामने से गोली मारी थी और उन्होंने छाती पर गोली ली थी। भगोड़े जैसे भाग के हम नहीं गए, हमको समझाएंगे आप तिरंगा कैसे लगाना और कहाँ लगाना, हम नहीं लगाएंगे आपका दिया हुआ तिरंगा, हम वो तिरंगा लगाएंगे जो खादी का तिरंगा है जिसके लिए हमारे लोगों ने आजादी में जान दी है। ये बहुत बड़ी बात है कि एक वक्त में जिन लोगों ने छाती पर गोली खाई है अब वो इनकार कर रहे हैं कि सरकार के दबाव में हम तिरंगा नहीं लगाएंगे। ये बहुत ही अहम है, सरकार को ये काम सरकार के नहीं है, सरकार के काम वो है जो करने के हैं। खास तौर पर आप बेरोजगारी खत्म कीजिए, महंगाई खत्म कीजिए, शिक्षा दीजिए, स्वास्थ्य दीजिए, ये सब आप ना करके ये एक नया हर दिन नया विवाद खड़ा करना, किसी ना किसी बहाने नफरत की तरफ लेके जाना, ये बहुत ही खतरनाक रुझान है। अच्छा अब मैं मुझे बताओ कि आप मदरसों में चेक करोगे, आरएसएस की शाखाओं में चेक क्यों नहीं करोगे, आरएसएस के ऑफिसों में चेक क्यों नहीं करोगे, जो आरएसएस के भक्त है उनके घरों पे क्यों नहीं चेक करोगे, उनका रिकॉर्डिंग क्यों नहीं करोगे, उनका भी रिकॉर्डिंग कराइए। वो भी रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। और नफरत के रीजंस आप क्यों बार बार क्रिएट करना चाहते हैं, क्यों नफरत बढ़ाने की बात करना चाहते हैं, आखिर आपका क्या कारोबार यही रह गया? अच्छा अब मैं चलता हूं, ये आप चूंकि किसान सेवा संघ के अध्यक्ष हैं, ये कृषि आत्मनिर्भर बनाने की बात जो सरकार कह रही है उस पर क्या कुछ है, क्या कुछ नया है, आप कैसे देख रहे हैं उसको?
आदरणीय मोदी जी ने कल के अपने संबोधन में कहा कि भारत कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने के साथ वैश्विक अगुआ बने। मोदी जी का स्टेटमेंट है, हम गंभीरता से लेना पड़ेगा। अब आत्मनिर्भर जितने जितने क्षेत्र बनाए उनके हालत क्या है आपको पता है? इनका ये कहना है क्या कि कृषि आत्मनिर्भर नहीं थी? अरे परावलंबी तो आप लोगों ने बनाया कृषि को, आपके जो विद्वान लोग बैठे थे और सारे पार्टियों के विद्वान लोग जो बैठे थे वो आप ही के लोग थे। जुडिशियरी में आपके लोग, ब्यूरोक्रेसी में आपके लोग, सीबीआई में आपके लोग, आईबी में आपके लोग, सब जगह आपके लोग जो बैठे हुए थे वो सब लोगों ने इस देश को आत्मनिर्भर से परावलंबी बना दिया। और आप समझा रहे हो कि कृषि को आत्मनिर्भर बनाना है, कैसे बनाओगे भाई आत्मनिर्भर? आपने 17 लाख टन अरहर आयात कर लिया, आप बोल रहे हैं कि दलहन और तिलहन पर हमको आत्मनिर्भर बनना चाहिए। आपके ये जो बकवास है इसके ऊपर हमारे किसानों ने विश्वास रखा था और दलहन और तिलहन आपने आपके लिए उत्पादन किया था, आपने तुरंत उसके दाम बहुत बुरी तरीके से गिरा दिए, इंपोर्ट कर लिए और दाम गिरा दिए। तो आपको लूट का माल खाने की आदत है। और ये शहरियों को भी मैं आग्रह करता हूँ, इस देश के शहरियों को, कि पैर में पहनने वाला जूता आप एसी शोरूम से खरीदते हो और पेट में डालने वाली सब्जी आप फुटपाथ से और गंदी जगह से खरीदते हो, क्योंकि आपको कृषि उपज को दाम नहीं देना है। तो ये इसका नतीजा ये हुआ कि किसान जहरीला पैदा कर रहे और आप मर रहे हो। टाटा कैंसर रिसर्च का सर्वे है, सामाजिक संस्था, उनकी उन्होंने रिसर्च किया था, उन्होंने बताया था कि 29% लोग बीड़ी तंबाकू पान गुटखा खाने से मर रहे कैंसर से, मगर उन्होंने इस पे मौन रहे थे कि 71% लोग अनाज, जहरीला अनाज खाने से मर रहे। और ये जहरीले अनाज पर कोई बात करने को तैयार नहीं है, जहरीले दूध पर कोई बात करने को तैयार नहीं। आपको पता है चाइना ने जब वहां मेलामाइन दूध में मिलावट वाली गैंग मिली थी तो 70-72 लोगों को बंदूक के नोक से चौराहे पर मार दिया था। और 2018 में हमारे देश में मेलामाइन मिलाने का ऑफिशियल परमिशन दे दिया। हम बच्चों को सही दूध नहीं दे सकते मगर तिरंगा जरूर देंगे, और तिरंगा इसलिए देंगे कि हम पहचान करेंगे कि कौन हमारा देशभक्त है, मतलब भाजपा भक्त है, और कौन भाजपा को नहीं मानता, ये पहचान कराने के लिए आप तिरंगा दोगे। अविनाश जी, मैं अपने दर्शकों को याद दिला दूं कि जब कुछ सरकारें, कुछ मुल्क गुलाम बनती हैं किसी के, तो उनके कहने पर जो चीज वहां से इंपोर्ट करनी होती है, जो जो आका होते हैं वो अपनी चीजें बेचना चाहते हैं, और फिर वो इस हद तक ले जाते हैं सरकारों को कि जो चीज वो हमारे यहाँ बेचना चाहेंगे वो यहाँ पर पैदा करना मना कर दो, कानूनी तौर पर पाबंदी लगा दो। ईरान के रिवॉल्यूशन से पहले कई ऐसे ऐसी फसलें थी जिस पर पाबंदियां लगाई गई थी सिर्फ इस वजह से कि वो अमेरिका से इंपोर्ट होना था। यानी जब गुलामी की तरफ बढ़ते हैं कोई मुल्क, उसमें ये ऐसा होता है। जो आप बता रहे हैं कि अरहर खरीद करके इंपोर्ट कर ली और यहाँ की कीमत घटा दी, वो तकरीबन उसी का एक हिस्सा है, मुझे ऐसा महसूस होता है। कंपनी सरकार ने 1857 के बाद में इस देश में 3 व्यवसाय शुरू कर दिए थे। पहला व्यवसाय था अंग्रेज सैनिक के लिए, उनको कोई बीमारी न हो इसलिए प्रोस्टिट्यूशन, अलग से कोठे बनाने का जो धंधा हमारे देश में शुरू हुआ वो अंग्रेजों ने शुरू किया था। दूसरा अफीम की खेती, और तीसरा दारू के लाइसेंस। ये जो कंपनी सरकार है वो उस वक्त जो बोल रहे थे कि गोरे अंग्रेज गए और काले अंग्रेज आए, कांग्रेस ही तो काले अंग्रेज नहीं दिखाई दिए, गांधी कोई काला अंग्रेज नहीं था, ना नेहरू काला अंग्रेज था, मगर ये काले अंग्रेज दिखाई दे रहे क्योंकि इनके इसमें अफीम की बाढ़ आ गई है, दारू की बाढ़ आ गई है, और इन्होंने प्रोस्टिट्यूशन के व्यवसाय को सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट दिलवा दी कि अपनी मर्जी से अगर कोई लड़की या कोई महिला देह व्यवसाय करती है तो उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। 377 को इन्होंने ऑफिशियली परमिशन दे दिया है। तो हम सरकार किस तरीके से चला रहे, हम उसी तरीके से, आपने जो बोला कि जो हमारे चीज में शॉर्टेज है शॉर्टेज करा के उसको इंपोर्ट कराना है क्योंकि उनका कारोबार चलना चाहिए, तो उनके कारोबार चलाने के लिए हम हमारा देश बेच रहे हैं, हमारे देश की व्यवस्था बेच रहे हैं, और हमको बता रहे हैं, समझे, राष्ट्रभक्ति, आत्मनिर्भरता, स्वतंत्र देश, हमारा ये सब जो प्रवचन और लेक्चर दिए जा रहे हैं वो लेक्चर सिवाय बकवास के और कुछ नहीं है। अच्छा अविनाश जी, हमारे पास थोड़ा सा टाइम कम है, ये अभी
बिहार में कुछ नई खबरें आई हैं कि बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार में कुछ आपस में इख्तलाफ हो रहा है, कुछ डिफरेंसेस हो रहे हैं। नीतीश कुमार जी ने पिछले एक हफ्ते 10 दिन में कई सेंट्रल मीटिंगें अटेंड नहीं की हैं। आप इसको कैसे देख रहे हैं, क्या वाकई कुछ ऐसा होगा या ये सिर्फ वक्ती तौर पर कुछ ऐसा है? ऐसा कोई सगा नहीं जिसको भाजपा ने ठगा नहीं। अकालियों की हालत देख लो, शिवसेना की हालत देख लो, AIDMK की हालत देख लो, JDU की हालत भी देख लो, वो अभी छटपटा रहे, पकड़ में आ गए नीतीश कुमार जी, उनके नहीं आना चाहिए था, नीतीश कुमार जी ने उनके पकड़ में आ गए, अब छटपटा रहे। थोड़ी सी सतर्कता और थोड़ा सी नाकामी के कारण झारखंड सरकार बची है। झारखंड सरकार के 3 MLA जो मैंने वहां के कांग्रेस के 3 MLA जब पैसे लेने गए थे, तो वहां जहां से पैसे लेने गए थे वहां भी ममता बनर्जी की सरकार थी और यहाँ शिबू सोरेन की सरकार थी, उनको ट्रैप करके पकड़ा गया। नहीं तो हमारे तड़ीपार शाह जी ने बहुत अच्छा प्लानिंग कर दिया था। उनके जो हेमंत बिस्वाल जो बैठे हुए हैं, जो बताते हैं कि मैं यही काम कर रहा था कांग्रेस के लिए, तो मुझे नहीं पता कांग्रेस के लिए क्या काम कर रहे थे क्या नहीं, मगर अभी वो ये काम कर रहे कि पैसे पहुंचा रहे। 7 MLA दिल्ली में बैठे हुए थे कांग्रेस के, 12 में से 3 MLA पैसे लाने के लिए गए थे और 2 MLA का जुगाड़ करना था उस पैसे से, जिससे शिबू सोरेन सरकार रिशफल हो जाती। ये हर जगह यही काम कर रहे हैं, यही काम ये JDU में कर रहे हैं। JDU के नीतीश कुमार थोड़ा सा पॉलिटिकल गिमिक्स खेल जाते हैं, कभी कभी पॉलिटिकल गेम दिखा देते हैं, उसके वजह से ये सब बच जाते। ये राष्ट्रभक्तों को जब पहला इनके ऊपर पाबंदी लगी थी, उस वक्त इनको इनके ऊपर पाबंदियों में एक शर्त ये थी, सरदार पटेल ने लगाया था कि आप तिरंगे को राष्ट्र ध्वज मानोगे, किसी राष्ट्रभक्त के लिए राष्ट्र का झंडा मानना, उसके सामने सर झुकाना। आपने देखा होगा एक वीडियो वायरल हो रहा है, एक फोटो, पीछे राष्ट्र ध्वज लगा हुआ है और वो सामने कैमरे को सैल्यूट कर रहा है ये, और सैल्यूट ऐसा भी कर रहा है और ऐसा भी कर रहा है, दोनों तरह से सैल्यूट कर रहा है वो, तो ये राष्ट्र पीछे है उनके। आपको देखा होगा कि आपके वीडियो आए होंगे, कई पिक्चर आए होंगे, कभी कभी दिखावा करने वाला आदमी गलती कर जाता है, उसने मतलब करना तो था झंडे की तरफ को लेकिन कैमरे की तरफ को करा दिया, शायद दिखाने के लिए कि वो दिखाना चाहता था, लेकिन उसके दिल में वो प्यार और मोहब्बत उस झंडे के लिए नहीं थी, सिर्फ कैमरे पे दिखावा कर। कई दफ्तरों पे देखा होगा, कई दफ्तरों पे देखा होगा कि नीचे राष्ट्र ध्वज है उसके ऊपर तिरंगा फहराया हुआ है, आपने कई जगह देखे होंगे। तो राष्ट्र ध्वज इनके लिए नहीं है, वो इन्होंने मानने से मना किया था और 2001 तक इन्होंने नहीं माना और आज भी नहीं मानते। आखिरी बस एक छोटा सा मैं आपसे रिस्पॉन्स लेना चाहूंगा, महाराष्ट्र में जब से ये सरकार गिरी है उसके बाद क्या क्या NCP और शिवसेना के बीच कुछ दूरियां, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि शरद पवार जी जो है वो संजय राउत के खिलाफ ED की कार्रवाई पर कुछ खामोश रहे, कुछ नाराजगी है, क्या कुछ है? मैं एक बात बता देता हूँ, शिवसेना को बचाना चाहिए NCP और कांग्रेस ने, अगर नहीं बचाओगे तो BJP को, NCP और कांग्रेस को मुस्लिम लीग डिक्लेयर करने में बहुत समय नहीं लगेगा। एकमात्र हो जाएंगे वो हिंदुओं के जो नेतृत्व वाला, कि BJP हिंदुत्व नेतृत्व करता है, बाकी कोई करता नहीं। देख लीजिए शिवसेना ने हमारा हिंदुत्व त्याग दिया, वो जनेऊ और चोटी वाला हिंदुत्व त्याग दिया, तो शिवसेना की हालत क्या होगी? जरूरी है कि शिवसेना को जिंदा रखा जाए। ये अगर लड़ रहे होंगे आपस में तो इनके सबके बुरे दिन आ गए, ये समझने की जरूरत है, ये देश में और दुनिया में समझाने की जरूरत है। इनका इनके जो ED सरकार के मुख्यमंत्री है वो बोल रहे हैं खेती में आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल पर जोर। भैया आज ही आपके खेत में यानी गेडाउन में गेहूं इतना है और चावल इतना है कि 5 साल अगर पैदा भी नहीं हुआ, 7 साल पैदा नहीं हुआ, तब भी हिंदुस्तान का पेट भर सकता है तकनीकी उत्पादन करके और ज्यादा प्रोडक्शन करके, कहाँ डालोगे और किसानों को कहाँ पहुंचा दोगे? ये मूर्खता भरा माहौल है पूरे देश में, पूरे देश में मूर्खताओं का हलचल चल रही है और ये मूर्खताओं में हम लोगों को समझना पड़ेगा, हम लोगों को ये देखना पड़ेगा कि इससे मूर्खता से हमारे जनता, हमारे लोग और हमारे चाहने वाले कैसे बाहर निकले। जी जी जी, बहुत 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 शुक्रिया अविनाश काकड़े जी, आपसे और लंबी हम आज बात नहीं कर सकते किसी तकनीकी वजह से,
आप हर मंडे को हमारे लिए उपलब्ध हो जाते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपने दर्शकों को याद दिला दूं कि तिरंगा के बारे में जितनी अहम बात अविनाश ठाकरे जी ने कही है कि हमारे चचा ने गोली खाई है, हमारे बुजुर्ग बाकायदा इस तिरंगे के लिए जान दी है, लेकिन अब सरकार के कहने पर हम तिरंगा नहीं लगाएंगे और ये जो नए नए किस्म के तिरंगे हैं वो तो बिल्कुल नहीं लगाएंगे। खादी का तिरंगा हमारी जान है, हमारे पुरखों ने उसके लिए सारा कुर्बान किया है, बिल्कुल खादी जो कहते हैं तिरंगा नहीं लगाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश ठाकरे जी, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद, शुक्रिया, जय भारत, जय। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं, और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।